भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने की खबरों के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर बयान आया है। चीन ने कहा है कि दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि चीन ने अपने बयान में साफ तौर पर यह नहीं बताया कि उसकी सेना पीछे हटी है या नहीं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लेजियान से पूछा, भारतीय मीडिया की खबरों के मुताबिक चीन गलवान घाटी, जहां दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, वहां से टेंट और उपकरण लेकर पीछे हटा है। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है? इसके जवाब में चाओ लेजियान ने कहा, चीनी और भारतीय सैनिकों ने 30 जून को कमांडर स्तर की वार्ता के तीसरे दौर का आयोजन किया। दोनों ही पक्षों के बीच सहमति बनी कि वो उन बातों पर अमल करेंगे जिसके लिए पिछले दो राउंड के कमांडर स्तर की बातचीत में सहमति बनी थी, और हमने सीमा पर तनातनी कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। हमें उम्मीद है कि भारत भी अपनी तरफ से इतनी ही दूरी तय करेगा, दोनों के बीच बनी सहमति को लागू करने के लिए कड़े कदम उठाएगा, चीन के साथ सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में रहेगा और चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में तनाव कम करने के लिए काम करता रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को उठाए गए कदम LAC पर भारत और चीन के बीच तनातनी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण थे, लेकिन सेना की सतर्कता, उनकी तैयारियों और लंबे समय के लिए लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में हो रही तैयारियों पर इसका बहुत असर नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि सेना को सीमा की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, जहां पिछले महीने 5 दशकों में सबसे अधिक खून बहा था। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों सेनाओं के बीच उच्च स्तर का अविश्वास है, जो कि पिछले 9 हफ्तों में सीमा पर हुई घटनाओं के कारण पैदा हुआ है। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के बाद गलवान सेक्टर में दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू की। बावजूद इसके 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। गलवान घाटी की हिंसा के घाव अभी ताजा हैं और उन्हें भरने में समय लगेगा। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की प्रक्रिया में भारत दोगुनी सतर्कता बरत रहा है और हर कदम सावधानी से उठा रहा है। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। रॉयटर्स ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि तनाव वाले इलाकों में शुरुआती कदम उठाने में ही 2 से 3 हफ्तों का समय लग सकता है। इसके बाद ही सेना के कमांडरों के बीच बैठक होगी और फिर अगला कदम उठाया जाएगा। इसका मतलब है कि सेना की तैनाती कुछ महीनों नहीं तो हफ्तों तक तो खिंचेगी ही। सेना को इस बात की भी चिंता है कि शुरुआती कदम उठाए जाने के बावजूद जब तक चीनी सेना LAC के करीब बड़ी संख्या में मौजूद है, चीन कभी भी उल्टी दिशा में चल सकता है। इसलिए भारतीय सेना अपनी तरफ से ढील नहीं देगी, न ही इलाकों से सैनिक कम करने के बारे में सोचेगी। सेना और बड़े हथियारों को धीरे धीरे हटाया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरा पक्ष कितनी सेना या हथियार हटा रहा है। रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। दोनों ही देशों ने सेनाओं के पीछे हटने और सीमा पर शांति कायम करने के लिए सहमति जताई। डोभाल और वांग इससे पहले 2018 और 2019 में भी मिल चुके हैं। गलवान घाटी में 20 जवानों की मौत के 2 दिन बाद 17 जून को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी वांग यी से बातचीत हुई थी। सोमवार को अपने बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोभाल और वांग ने LAC पर तनाव कम करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे जल्द खत्म करने के लिए सहमति जताई। अपने आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष चरणबद्ध तरीके से डीएस्केलेशन सुनिश्चित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने दोबारा इस बात पर जोर दिया कि LAC का कड़ाई से सम्मान होना चाहिए और यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और भविष्य में किसी भी ऐसी घटना से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सीमावर्ती इलाकों में अशांति और अस्थिरता फैल सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने हाल की सैन्य और कूटनीतिक बैठकों में हासिल की गई प्रगति का स्वागत किया, बातचीत और परामर्श करते रहने के लिए सहमत हुए और कमांडर स्तर पर बनी सहमति को सुनिश्चित करने के लिए जल्द कदम उठाने पर जोर दिया।